क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच 16 जून को मैच खेला जाएगा। मैनचेस्टर में होने वाले इस मैच का इंतजार दोनों देशों की जनता के अलावा दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट फैंस को भी है। विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं और सभी में भारत को ही जीत मिली है। खास बात यह है कि इन 6 में से 5 बार भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग को चुना और 4 बार पाकिस्तान को ऑल आउट भी कर दिया। विश्व कप में दोनों टीमों के बीच मुकाबलों की शुरुआत साल 1992 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुए वर्ल्ड कप से हुई थी। इस खबर में हम आपको वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए मैचों के बारे में ही बता रहे हैं। किरण मोरे और जावेद मियांदाद। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का पहला मुकाबला। तारीख 4 मार्च 1992। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवरों में 7 विकेट पर 216 रन बनाए थे, जिसमें अजय जडेजा 46, सचिन तेंदुलकर 54 और कपिल देव 35 रन ने अच्छी पारी खेली थी। पाकिस्तान के लिए मुश्ताक अहमद ने 3 और आकिब जावेद ने 2 विकेट लिए थे। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम 48.1 ओवर में 173 रन पर ढेर हो गई थी। भारत की ओर से कपिल देव, मनोज प्रभाकर और जवागल श्रीनाथ तीनों ने 2 से 2 विकेट लिए थे। भारत ने ये मैच 43 रन से जीता था। सचिन 62 बॉल 54 रन को उनकी शानदार बैटिंग के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। रोचक वर्ल्ड कप का ये मैच भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे और पाकिस्तानी ओपनर जावेद मियांदाद के बीच हुई झड़प के लिए याद किया जाता है। पाकिस्तानी पारी के दौरान किरण मोरे के कमेंट्स से परेशान मियांदाद ने उछलकर अपना गुस्सा जताया था। वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला। तारीख 9 मार्च 1996। बेंगलुरु में हुए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 287.8 रन बनाए थे, जिसमें नवजोत सिद्धू 93, अजय जडेजा 45 और सचिन 31 ने अहम पारी खेली थी। जवाब में पाकिस्तानी टीम 248.9 रन ही बना सकी थी। भारत की ओर से वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले ने 3 से 3 विकेट लिए थे। भारत ने ये मुकाबला 39 रन से जीता था। सिद्धू 115 बॉल 93 रन को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। रोचक इस मैच को वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल के बीच हुई इशारेबाजी के लिए याद किया जाता है। सोहेल ने प्रसाद की बॉल पर चौका लगाकर बैट दिखाया था। जवाब में प्रसाद ने सोहेल को आउट करने के बाद उन्हें उंगली दिखाते हुए पवेलियन जाने का इशारा किया था। वेंकटेश प्रसाद। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का तीसरा मुकाबला। तारीख 8 जून 1999। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग को चुना था और 50 ओवरों में 6 विकेट पर 227 रन बनाए थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 45, राहुल द्रविड़ ने 61 और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 59 रन का योगदान दिया था। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम 45.3 ओवरों में 180 रन पर ढेर हो गई थी। भारत ये मुकाबला 47 रन से जीता था। मैच में भारत की ओर से वेंकटेश प्रसाद ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 9.3 ओवरों में 27 देकर 5 विकेट झटके थे, जिसके बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। सचिन तेंदुलकर। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का चौथा मुकाबला। तारीख 1 मार्च 2003। विश्व कप मुकाबलों में अब तक भारत के खिलाफ टॉस जीतने के लिए तरस रही पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में खेले गए इस मुकाबले में पहली बार टॉस जीता, जिसके बाद उसने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 273.7 रन का स्कोर बनाया, जिसमें सईद अनवर ने 101 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने 45.4 ओवरों में 4 विकेट पर 276 रन बनाकर मैच जीत लिया था। भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और 75 बॉल पर 98 रन बनाए थे। उनके अलावा राहुल द्रविड़ ने 44 और युवराज सिंह ने 50 रन की पारी खेली थी। भारत ने ये मैच 6 विकेट से जीता था। सचिन को उनकी बेहतरीन इनिंग के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। रोचक इस मैच में पाकिस्तान के शतकवीर बल्लेबाज सईद अनवर का विकेट लेने के बाद आशीष नेहरा ने उन्हें उंगली दिखाकर जाने का इशारा किया था। जवाब में अनवर ने नेहरा को घूरकर देखा था। सचिन तेंदुलकर और शाहिद अफरीदी। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का पांचवां मुकाबला। तारीख 30 मार्च 2011। चंडीगढ़ में पाकिस्तान के खिलाफ हुए विश्व कप के इस मुकाबले में टॉस एक बार फिर भारत ने जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 269 रन बनाए, जिसमें सचिन ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए।
जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम 49.5 ओवरों में 231 रन पर ढेर हो गई। इस मैच में भारत की ओर से 5 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी और सभी को 2 से 2 विकेट मिले थे, जिसकी बदौलत भारत ने ये मैच 29 रन से जीत लिया था। सचिन को उनकी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। भारतीय टीम के खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का 6ठा मुकाबला तारीख 15 फरवरी 2015 ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में खेले गए इस मैच में टॉस एक बार फिर भारतीय टीम ने जीता और पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट पर 300 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली ने 107, सुरेश रैना ने 74 और शिखर धवन ने 73 रन की इनिंग खेली थी। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम 47 ओवरों में 224 रन पर ढेर हो गई थी। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने जबरदस्त बॉलिंग की और 9 ओवरों में 35 रन देकर 4 विकेट झटके थे। मैच में विराट 126 बॉल पर 107 रन को उनकी इनिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।